वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मासील यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो इसमें क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन बीएससी से केमिस्ट्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो बहुत ही अच्छा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में है तो बहुत अच्छा है, फार्मा फील्ड में भी फार्मा डी फार्मा ये सभी बीएससी केमिस्ट्री ये सभी रिक्वायरमेंट होती है। आप बीटेक बायोकेमिस्ट्रीज करते हो केमिस्ट्रीज होते हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में जॉब आपको मिल जाएगी। यहाँ पे स्किल की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहाँ पूरा एनालिसिस का फील्ड है जिसमें स्मार्टनेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे कुछ है बहुत सारे फॉर्म जो पेपर वर्क होते हैं हैंडलिंग किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, रॉ मटेरियल पूरा प्रोसेस होता है, जब बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका प्रॉपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है, इसलिए आपको प्रॉपर एक स्किल ट्रेनिंग मिल दी जाती है। अगर रिजल्ट सही नहीं आता तो इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो भी इन्वेस्टिगेशन होता है। क्वालिटी कंट्रोल में एक इन्वेस्टिगेशन का अपना ही डिपार्टमेंट होता है। क्वालिटी कंट्रोल में टेस्टिंग की जाती है, रॉ मटेरियल की जो होता है उसका टेस्टिंग होती है, पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग होती है, स्टेबिलिटी की टेस्टिंग की जाती है, फिर स्टेलाइजेशन किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल में रॉ मटेरियल का स्पीड किया जाता है, चेक किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है तो फिर उसको मटेरियल चेक किया जाता है इन प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, इन सभी की वहाँ पे स्टैंडिंग चेकिंग होती है। उसके बाद स्टेबिलिटी चैम्बर होता है जहाँ पे मॉनिटर करना पड़ता है, शेड्यूल के हिसाब से विड्रॉ करना पड़ता है, उसको एनालिसिस करना पड़ता है, फिर उसको प्रॉपर आपको एक रिजल्ट बताना पड़ता है क्या है। इन सभी बहुत ही सेंसिटिव वर्क होता है, आपको प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है। और यहाँ पे जीएलपी, ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे इनकी कैलिब्रेशन होता है। यहाँ पे जो जितने भी केमिकल होते हैं रिएजेंट यूज में होते हैं क्वालिटी कंट्रोल में प्रोड्यूस इन्वेंटर के लिए, सारे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इन्वेंटर के, इन्वेंटरिंग की जाती है, पेपर वर्क पूरा संभाला जाता है, मेथड एंड मेथड बहुत सारे मेथड यूज होती हैं, ट्रांसफोर किया जाता है, तो इन सारे वर्क को क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वहीं पे एक इसका अपना अलग ही डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, इसमें माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट भी होता है जहाँ पर सारे चीज़ों की टेस्टिंग की जाती है, जैसे वाटर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, जिससे जो हम दवाई बना रहे हैं रॉ मटेरियल तो क्या यूज कर रहे हैं कैसा है, सारी कुछ जानकारी यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा ही दी जाती है, चेक किया जाता है, फिनिशिंग प्रोडक्ट कैसा है, ग्रेन्यूल है कि नहीं है, दवाई सही से बनी है नहीं बनी है, पूरा चेक क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें बेसिक से लेकर माइनर तक सारी माइनर से लेकर टॉप तक की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है, उससे अपने सीनियर तक जो हाँसी हो इन सबको प्रोवाइड करवाया जाता है। कुछ गलती होती है तो पूरा प्रोडक्शन को रोक दिया जाता है, ये सब क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा ही देखरेख में किया जाता है। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, स्टार्टिंग पैकेज तो ज़रूर कम होता है बट आपके आगे बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप इसमें जॉब कर सकते हो। आई होप मैंने जो बताया है तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।